स्वागत है आपका। आज आईपीएल 2019 के क्वालिफायर 2 में आमने सामने होगी चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स की टीम। बहुत ही बड़ा ये मुकाबला है दोनों ही टीम के लिए, जहां पर ये जीत जो है पहुंचाएगी आईपीएल 2019 के फाइनल में। दोस्तों इस वीडियो में दोनों ही टीम के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कौन सी टीम जो है वो इस मैच को जीत सकती है। रीजन भी आपको बताएंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आईपीएल 2019 के लीग स्टेजेस में दोनों ही टीम ने 9-9 मुकाबले जो है वो जीते थे, लेकिन नेट रन रेट अच्छा होने की वजह से चेन्नई सुपर किंग ने खेला क्वालिफायर 1, जहां पर उन्हें मुंबई इंडियंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम एलिमिनेटर में हरा कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को। बात करें अगर दोनों ही टीम के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो टोटल 19 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है, जहां पर चेन्नई सुपर किंग की टीम 13 मुकाबले जीती है और दिल्ली कैपिटल्स जीती है सिर्फ 6 मुकाबले। तो हेड टू हेड में चेन्नई सुपर किंग की जो टीम है वो काफी ज्यादा आगे है दिल्ली कैपिटल्स से। लेकिन इस साल दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो खेल रही है बिल्कुल अलग। जहां पर इस साल के हेड टू हेड की बात करें तो 2 मैचेस हुए हैं और दोनों ही टीमों ने एक एक मुकाबले जो है वो जीते हैं। तो इस साल जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा टक्कर का है। अब दोस्तों यहां पर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो यहां पर मैं फेवरेट कह सकता हूं दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 2 बहुत ही बड़े रीजन है, जहां पर पहला है दोस्तों मोमेंटम। आखिरी अगर हम 7 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग के देखें तो उसमें से 5 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग की टीम हार कर आ रही है, जहां पर क्वालिफायर 1 में भी चेन्नई सुपर किंग की टीम हारी है। तो ऐसे में इस टीम के पास जो है दोस्तों विनिंग मोमेंटम नहीं है और काफी सारी वीकनेस भी जो है इस टीम के सामने आई है। वहीं बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो लास्ट 2 मैचेस जो है ये जीत कर आ रही है, जहां पर एलिमिनेटर 1 भी जो है ये टीम जीती है। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के फेवर में ये चीज जा रही है। बात करें दोस्तों दूसरे रीजन की, तो दूसरा रीजन है वेन्यू, क्योंकि एलिमिनेटर भी जो है यहीं पर हुआ था, दिल्ली कैपिटल्स ने खेला, दिल्ली कैपिटल्स ने जीता। तो इस पिच को जो है वो जान गई होगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की किस तरह से जो है ये पिच बिहेव कर रही है। वहीं चेन्नई सुपर किंग का पहला मैच होगा दोस्तों इस सीजन का इस वेन्यू पर, तो ये एक और चीज दिल्ली कैपिटल्स के फेवर में जा रही है, और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है इस मैच में फेवरेट लग रही है। वैसे दोस्तों चेन्नई सुपर किंग को कम नहीं समझना चाहिए, जब चेन्नई सुपर किंग के पास महेंद्र सिंह धोनी जैसे बल्लेबाज और महेंद्र सिंह धोनी जैसे जो है वो हो कप्तान। लेकिन दोस्तों अगर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो दिल्ली कैपिटल्स के पास यहां पर एक एडिशनल फेवर है और एक एडिशनल चांस है इस मैच को जीतने का, जहां पर हम कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के चांस यहां पर 60% है तो चेन्नई सुपर किंग के 40%। अब दोस्तों आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम जो है वो ये मैच जीतने वाली है और खेलने वाली है मुंबई इंडियंस के साथ आईपीएल 2019 का फाइनल? आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।